गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स विद एमएस वर्ड. तो बच्चों, बेसिकली हम एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं. तो आज हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे कि कैसे हम एमएस वर्ड यूज़ करके कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. एमएस वर्ड इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है एमएस वर्ड, यानी कि एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पेंट है, सभी माइक्रोसॉफ्ट के हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का. इट इज़ मोर वाइडली यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. और ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के तौर पर यूज़ किया जाता है ना. वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं. दिस प्रोग्राम हेल्प अस टू प्रिपेयर एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स विच लुक गुड एंड नीट इन अपीरियंस. और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें ऐसी एरर फ्री, मतलब जिसमें एरर ना हो, ऐसा डॉक्यूमेंट्स हमें क्रिएट करने में हेल्प करता है जो कि दिखने में अच्छा और अपीरियंस दिखने में साफ सुथरा और उसका अपीरियंस भी कैसा हो, बहुत अच्छा हो. एम एस वर्ड हैज़ मैनी फीचर्स बिकॉज ऑफ विच इज़ यूनिवर्सली यूज. और एम एस वर्ड में बहुत अच्छे फीचर्स हैं, दैट इज़ वाई कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है. यूनिवर्सली मतलब सब में यूज़ होता है. दीज आर, अब इसके क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि ये इतना वाइडली यूज़ होता है. इट इज़ टू सिंपल, यानी कि सिंपल टू यूज़, यूज़ करने में बहुत ही सिंपल है. ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं या फिर बहुत टिपिकल है इसको यूज़ करना. ये बहुत ही ईजी है. इट इन एट क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट इज़ ईजी. फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पेल चेक, ग्रामर चेक, एक्सेट्रा. मतलब कि जब हम डॉक्यूमेंट कोई भी क्रिएट कर रहे हैं एमएस वर्ड में, तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना तो बहुत इजी है ही. उसके साथ हम उसमें स्पेलिंग चेक या ग्रामर चेक, यानी कि हम मिस्टेक, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तो ये उस मिस्टेक को रिमूव कर देता है. व्हेन वी क्रिएट प्रेजेंटेशन वर्ड इन वर्ड विथ पिक्चर्स, वी कैन क्रिएट, हम वर्ड में प्रेजेंटेशन भी पिक्चर्स के साथ क्रिएट कर सकते हैं, है ना. वैसे हम प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वर्ड्स में पिक्चर्स के साथ एप्लीकेशन यूज़ कर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. वी कैन ऑल्सो मेक 2D और 3D इमेजेस इन वर्ड्स, यानी कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो इमेजेस होती हैं ना, वो एमएस वर्ड में 3D 2D इमेज बन जाती हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए या लुक्स अच्छा करने के लिए उसका. ओपनिंग एम एस वर्ड, अब एम एस वर्ड कैसे ओपन करेंगे. वी कैन स्टार्ट एम एस वर्ड इन टू वेज, दो तरीके से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं. फर्स्ट बाय जस्ट क्लिकिंग एम एस वर्ड आइकन विच इज प्रेजेंट इन द डेस्कटॉप शॉर्टकट, विच इज प्रेजेंट इन द डेस्कटॉप शॉर्टकट. यानी कि दो तरीके हैं एम एस वर्ड को, यानी कि हम डेस्कटॉप पे जो एम एस वर्ड का आइकन है, शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं ना हम एप्लीकेशंस का, तो वहाँ से भी इसको खोल सकते हैं. या फिर कैसे खोल सकते हैं, देखिए, इन अदर वे एम एस वर्ड कैन बी स्टार्टेड बाई फॉलोइंग दिस स्टेप. सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, फिर उसके बाद हमने जो लिस्ट ओपन होती है उसमें से हमने सेलेक्ट किया क्या, प्रोग्राम. फिर हमने एम एस वर्ड आ जाएगा वहाँ पर, प्रोग्राम में जाके वहाँ पर उसको हम क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा एम एस वर्ड. अब ऑन फेब्रुअरी 1, 1983 कंसेप्ट एंड आइडियाज दैट वुड बी यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स वर कॉपीड फ्रॉम ब्रावो, द ओरिजिनल GUI राइटिंग वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड एट ज़ेरॉक्स पार्क. विद दिस डेवलपमेंट ऑन वॉट वॉज ओरिजिनली नेम मल्टी टूल वर्ड बिगिन, कि फरवरी 1983 को ये जो माइक्रोसॉफ्ट में कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ यूज़ किए गए ना, ये कहाँ से कॉपी किए गए थे, फ्रॉम ब्रावो द ओरिजिनल GUI टीम. ब्रावो जो था एक क्या था, सॉफ्टवेयर. GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पर ग्राफिकली यूज़र जो है इंटरफेस कर सकता था कंप्यूटर के, इंट्रैक्शन जो था वो ग्राफिकल करेक्टर ग्राफिकल पिक्चर्स के रूप में कर सकते हैं. तो ये वहाँ उस वर्ड प्रोसेसर से जो कि ज़ेरॉक्स पार्क में डेवलप हुआ था, वहाँ से कॉपी किया गया था. अब इसलिए इसको नाम क्या दिया, मल्टी टूल वर्ड बिगेन. अब देखिए, एज सून एज एम एस वर्ड इज ओपन, वी सी द ओपनिंग विंडो ऑफ द वर्ड. एज जब हमने बताया आपको अभी कि एम एस वर्ड कैसे ओपन करते हैं,
तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसकी विंडो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। ओके, ऑब्जर्विंग द स्क्रीन वी सी अ टाइटल बार। जब स्क्रीन को हम ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले हमें एक टाइटल बार दिखेगी, मेन्यू बार, यहाँ मेन्यू बार होती है, स्टैंडर्ड टूल बार, ये देखिए टूल बार दिखेगी यहाँ पर, फॉर्मेट बार, मेन मेन्यू शोज आइकन्स लेट डिस्कस द फंक्शन ऑफ ईच आइकन। यानी कि जब आप इस विंडो को देखेंगे ध्यान से तो बच्चों इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे टूल्स, मल्टीपल मेन्यूज होते हैं, फॉर्मेट बार में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो जब हम इसको यूज करेंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन ये जो है फर्स्ट स्क्रीन होती है किसकी, एमएस वर्ड की। अब इसके जो आइकन्स हैं उनके फंक्शंस हम आगे वीडियो में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जितना मैंने कराया है इसको अच्छे से बार बार वीडियो देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से। अगर आपके यहाँ कंप्यूटर है तो आप अपना कंप्यूटर में इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। ओके।